तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। सलमान खान भाई के कौन से खास आदमी ने सजाए थे तेरे नाम के गाने, कौन होगा सिंपल की म्यूजिकल पहचान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपके दोस्त और होस्ट प्रदीप सिन्हा। यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, देर से जलता है लेकिन जब जलता है तो फुल लाइट कर देता है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पर उनकी फिल्म ट्यूबलाइट का ये डायलॉग काफी जचता है, क्योंकि सलमान ने बॉलीवुड के कई लोगों के लिए ट्यूबलाइट का काम किया है, जिसकी रोशनी से आज भी बॉलीवुड के कई सितारे चमक रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे भाईजान के चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है, दुनिया भर के लोगों के साथ साथ बॉलीवुड भी उनका दीवाना है। कहते हैं बॉलीवुड में अपने पैर को जमाए रखने के लिए आपका कोई गॉडफादर होना बहुत जरूरी है। सलमान खान, जिनके पिता खुद बॉलीवुड से कनेक्शन होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में अपने पैर को जमाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए सलमान ने खुद गॉडफादर का काम किया है। इस लिस्ट में वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है। कहते हैं ऋतिक के बॉलीवुड में एंट्री से पहले सलमान खान उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे। इस लिस्ट में अगला नंबर अर्जुन कपूर का है, जिनके इश्क के चर्चे सल्लू भाई की प्यारी एक्स भाभी जान से चल रहे हैं। डेजी शाह, जरीन खान के साथ साथ इस लिस्ट में हिमेश रेशमिया का नाम भी शामिल है। दोस्तों, आपको सलमान खान की फिल्म तेरे नाम, जो कि साल 2003 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, वो तो याद ही होगी। जितनी हिट ये फिल्म हुई थी उतने ही हिट इस फिल्म के गाने भी हुए थे, और इस फिल्म के गानों की कसर गर्मा गर्म पकौड़ों की तरह बिक गई थी। पर क्या आपको पता है कि भाईजान के किस खास आदमी ने अपने धुनों से इस फिल्म के गानों को सजाया था? दोस्तों, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ही है। हिमेश ने फिल्म तेरे नाम के हर गाने को म्यूजिक दिया है, और इसमें उनके साथ दिया था बॉलीवुड के ड्यूअल जोड़ी साजिद वाजिद ने। दोस्तों, कहते हैं कि हिमेश के लिए सलमान ने बॉलीवुड में गॉडफादर का काम किया है, और इस बात से खुद हिमेश भी इनकार नहीं करते। हिमेश ने एक चैट शो के दौरान बताया था कि सलमान ने उन्हें उस वक्त ब्रेक दिया जब किसी को उन पर भरोसा नहीं था। हिमेश के पिता सलमान के साथ फिल्म में काम कर रहे थे, और उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। उस वक्त सलमान ने हिमेश में कुछ ऐसा देखा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। हिमेश सलमान को आज भी अपना गॉडफादर और मेंटोर मानते हैं। सलमान ने सबसे पहले अपनी साल 1998 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में हिमेश को चांस दिया। वहीं फिल्म बॉडीगार्ड के गाने भी हिमेश के धुन से सजे थे। दोस्तों, 19 साल बाद फिर एक बार फिल्म तेरे नाम के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं, जिसकी वजह है फिल्म का सीक्वल। मेकर्स के माने जल्द ही वो तेरे नाम 2 पर काम करना शुरू करने वाले हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। वहीं सवाल ये है कि कौन बनेगा इस बार फिल्म के सीक्वल की म्यूजिकल पहचान। सोर्सेस के माने तो इस बार भी म्यूजिक का जिम्मा HR यानी हिमेश रेशमिया को दिया जाने वाला है, जिनके साथ बी टाउन की चुलबुली सिंगर नेहा कक्कर दे सकती है। और आपको रामू मंडल तो याद ही होगी, जिनके स्टेशन पर गाने की वीडियो वायरल होते ही हिमेश रेशमिया ने अपने गाने के लिए उन्हें ब्रेक दिया था। सोर्सेस की माने तो एक बार फिर हिमेश उन्हें इस फिल्म में चांस देने वाले हैं। क्या फिल्म के गाने बना पाएंगे फिल्म को यादगार? क्या फैंस पर चल पाएगा हिमेश का जादू? क्या ब्लॉगर रामू मंडल को मिलेगा फिल्मों में मौका? इन बातों को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।